सो टुडे इज अनदर एपिसोड ऑफ आवर चकडे सीरीज आप जानते हैं हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है स्पेसिफिकली फॉर 2020 स्टूडेंट्स जिसमें हम जोलॉजी का हर चैप्टर का कर रहे हैं मेंटी मेन्टीक्वेज पहले हमने क्लास ट्वेल्थ पूरी की आज ट्वेल्थ का लास्ट चैप्टर डिस्कस हो रहा है साथ ही में इलेवेंथ का हम फर्स्ट चैप्टर टेक ओवर करने वाले हैं सो टुडे आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी एवोल्यूशन एज वेल एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा नाम है सी पाउजा और आप मुझे देखते हैं अन अकेडमी नीट के चैनल पर ट्वाइस अ डे मॉर्निंग में फॉर दिस चक दे सीरीज स्पेशली फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी एस्परेंट जिसमें ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड इवनिंग में आवर सीरीज इज गोइंग 2.0, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करने के बाद ज्वाइन कर लेना बिकॉज ऑल द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू अवर अपक पर कौन सा सेशन होने वाला है यू आर गोइंग टू रिसीव इन दिस चैनल साथ ही में यू कैन अटेंड यू कैन एक्सेस ऑल आवर प्रीवियस वीडियोज ऑल आवर प्रीवियस पी डी एफ्स एक ही जगह आपको एक लाइब्रेरी में मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की द लिंक इज लाइव डेली डॉट मी स्लैश नीट इस लिंक पर जाएंगे तो इलेवेंथ ट्वेल्थ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी लाइन वाइज सो ट्वेंटी ट्वेंटी वाले बच्चे जिनका कोई टॉपिक वीक है दे वॉन्ट टू रिवाइज समथिंग तो दे केन स्ट्रेटअवे गो टू दिस लिंक एंड सर्च फॉर दियर टॉपिक उसका वीडियो भी देख सकते हैं और उसके पी डी एफ़ से भी रिवाइज कर सकते हैं अब बात करते हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की क्या है ये सब्सक्रिप्शन सो सब्सक्रिप्शन इज दैट प्लेटफॉर्म इन विच ऑल द क्लासेस दे अकर इन लाइव फॉर्मेट सारी की सारी क्लासेस लाइव होती हैं जिसमें आप अपने टीचर से बात कर सकते हो इंटरेक्ट कर सकते हो डाउट पूछ सकते हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स कंप्लीट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर वन टिल द चैप्टर एंड ठीक है क्लास के दौरान जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर आस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोल्स अभी पोल्स क्या हैं दे आर जस्ट लाइक दैट ऑफ मेंटी जिसमें टाइम बाउंड तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होगी एंड देन दे विल शो यू द लीडर बोर्ड लीडर बोर्ड बताएगा योर पोजिशन ऑन द इन द क्लास एज वेल एज इन द होल ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे देन बच्चे सेपरेट सेशन है डाउट क्लियरेंस के लिए नो डाउट लाइव क्लासेस आप यूट्यूब पर भी लेते हो देर इज लॉट्स ऑफ नॉलेज ओवर हेयर एज वेल बट जो मेजर चीज़ है दट इज डाउट क्लियरेंस वो इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ यूट्यूब वो बच्चे सब्सक्रिप्शन में हमने उसके लिए स्पेसिफिक क्लासेस लगाई हुई हैं आफ्टर एवरी फाइव आवर सिक्स क्लास देर इज गोइंग टू बी यर डाउट क्लास डाउट क्लास में बच्चे आपको सिंपली अपने डाउट की पिक क्लिक करनी है यू हैव टू अपलोड अपलोड करेंगे डाउट विल रीच द टीचर टीचर विल सॉल्व योर डाउट राइट अवे ठीक है और सबसे यूनिक चीज जो है सब्सक्रिप्शन में दैट इज द फ्रीडम टू चूज योर ओन टीचर फ्रीडम टू चूज योर ओन बैच यस आम बच्चे अगर क्लास इलेवेंथ में भी हैं ऐट द सेम टाइम यू कैन अटेंड द कोर्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ एंड बच्चे किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं मतलब एक सब्सक्रिप्शन के द्वारा जितने भी प्लस कोर्सेज उस वक्त चल रहे होंगे आप किसी भी कोर्स में जाकर पढ़ सकते हैं सो दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग इन द सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म एंड टाइम टू टाइम एजुकेटर्स दे कीप और लॉन्चिंग देअर कोर्स तो आपका कहीं भी सिलेबस मिस नहीं होगा सो so, इसके लिए बच्चे क्या करना होगा सब्सक्रिप्शन के लिए डाउनलोड करिए अकेडमी का लर्निंग एप डाउनलोड करने के बाद जाइएगा प्लस सेक्शन में प्लस में आएगा नीट यू जी नीट यू जी में क्लिक करिएगा गेट सब्सक्रिप्शन यू विल से दिस स्क्रीन जिसमें बहुत सारे तरीके की सब्सक्रिप्शन आपको दिख रही हैं विच वन इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल देखिए नीट की तैयारी करनी है सो द सब्सक्रिप्शन शुड बी वन ईयर और टू ईयर जो इलेवेंथ में बच्चे हैं दे कैन गो फॉर टू ईयर और ट्वेल्थ वाले बच्चे अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं सीरियस है दे शुड गो फॉर दिस वन ईयर सब्सक्रिप्शन और जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे बच्चों उस पर आप एडिशनल ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड सी प्लाइफ ठीक है ये कोड यूज करेंगे तो टोटल अमाउंट पे यू आर गोइंग टू गेट टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ एंड दिस इज द स्केड्यूल ऑफ आवर चक दे नीट सीरीज जिसमें हम इस डे तक पहुंच चुके हैं वी हैव रीच सिस्टम आज मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही किसका टेस्ट लूंगी एवोल्यूशन का भी जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है दे कैन टेक द स्क्रीन शॉट फ्रॉम हेअर लेट मी जस्ट ओपन है ना दे कैन टेक स्क्रीन शॉट फ्रॉम हेअर ले लिया सबने वीक वन चल रहा है कल वीक वन का लास्ट डे है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कैसे फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बॉडी फ्लूड अपटिल बायोमोलिक्यूल्स एवरी वन टेकन द स्क्रीन शॉट कमान कमान बताइए राइट सो दिस इज द स्केडल ऑफ वीक वन एंड देन वी हैव गॉट वीक टू और लास्ट में हमारे पास क्या बन रहा है वीक थ्री चलिए नेक्स्ट चलते हैं शुड आई स्टार्ट विद द मेंटी कोड आप सबके पास ऑलरेडी होगा सो आई एम जस्ट ओपनिंग दैट सो फॉर टुडे द मेंटी कोड इज सेवेंटी नाइन एटी थर्टी टू एंड थ्री कोड इज सेवेंटी नाइन एटी थर्टी टू एंड थ्री सेवन डिजिट कोड है क्या करना है जाना है आपको मेन्टी डॉट कॉम पे मेन्टी डॉट कॉम पे जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कोड बताइए कोड में आप डाल दीजिएगा 798032 नाइन 3. थर्टी टू एंड थ्री फास्टली ज्वाइन पता है ना सबको कैसे ज्वाइन करना है सेवेंटी नाइन एटी थर्टी टू एंड थ्री सिंपल कोड डालेंगे तो डेफिनेटली होगा आपको बच्चे YouTube में कोड कहीं डालने का ऑप्शन नहीं है YouTube में आपको ये वीडियो देखनी है साइड बाई साइड यू हैव टू गो इन टू द गूगल क्रोम ऑफ योर फोन वहाँ पर बच्चे जाकर आप menti.com डॉट कॉम डालिए तेन कोड पूछेंगे कोड आपकी स्क्रीन्स पर है दैट इज सेवेंटी नाइन एटी थर्टी टू एंड थ्री एंड वेन यू विल एंटर दिस कोड द स्क्रीन विल कम एंड द क्वेश्चन विल स्टार्ट अपरिंग एज सुन एज आई विल प्रेस आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल फटाफट से ज्वाइन कर लो

मानसी प्रीति राइट बहुत सारे बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है कमॉन कमोन डन सो लेटे स्टार्ट विद आवर लेट लेटे स्टार्ट जो बच्चे लेट आएंगे उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस है कोड विल ऑलवेज रिमेन ऑन योर स्क्रीन एंड वहीं से देखकर यू विल यू विल ज्वाइन द क्विज़ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वाइटामस कम अंडर द ग्रुप बी कॉम्प्लेक्स साइनोकोबालमिन थायमिन रिबोफ्लेबिन टोकोफेरोल फाइलोक्यून और फोलिक एसिड इनमें से कितने वाइटमिनस दे कम अंडर द ग्रुप बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने आते हैं टोटल नंबर पूछा है फोर फाइव सिक्स थ्री कम ऑन फोर फाइव सिक्स और थ्री आपको हर जो नाम दिया हुआ है इसका ऑल्टरनेट नेम निकालना है मतलब साइनो कोबालमिन इज विच वाइटामिन थायमिन इज विच वन पॉलिक एसिड कौन सा है हाउ मेनी दे बिलोंग टू वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर फोर नॉट थ्री आप लाइन वाइज देखिए बच्चों को बी ट्वेल्व थायमिन वाइटमिन बी वन रिबोफ्लेबिन वाइटमिन बी टू टोको फिर बच्चे ई और के के लिए तो ये दो नहीं हो सकते एंड फोलिक एसिड इज वाइटमिन बी नाइन तो कितने हुए साइनोकोबाल्मिन थायमिन रिबोफ्लेबिन फोलिक एसिड टोटल नंबर विल बिकम फोर सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर फोर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बट लेट सी अवर लीडर्स फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सो वी हैव गॉट आर के देन आयुषी अंकुश बाल गोपाल कृतिका सोनी एंड मनीषा वार्णी देन वी हैव गॉट प्रिया एंड डॉक्टर समृद्धि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको लीडर बोल यहीं दिखेगा मेंटी पर नहीं दिखेगा लीडर बोल के लिए यू हैव टू अल्टरनेट बिटवीन यूट्यूब एज वेल एज मेंटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेचुरल सिलेक्शन कैन बी मोस्ट क्लोजली इक्वेटेड विद जेनेटिक ड्रिफ्ट डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस बॉटल नेकिंग ऑफ द पॉपुलेशन और जीन फ्लो चुरल सिलेक्शन कैन बी मोस्ट क्लोजली इक्वेटेड विथ नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने गिवन बाई डारेन सबसे ज्यादा उसका रिलेशन किस से लग रहा है आपको चेनेटिक ड्रिफ्ट डिफ्रेंशियल रिपोर्डक्टिव सक्सेस वॉटल लेकिन पॉपुलेशन और जीन फ्लो आपके पास एट सेकेंड हैं अभी भीड विल ऑलवेज रिमेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहां से देख सकते हैं द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर बी बच्चों ए कैसे हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग नेचुरल सिलेक्शन में इज बच्चों सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इन द जेनेटिक फ्रीकुन्सी ऑफ दो पीपल हु हैव गॉट सम बेनिफिशियल वेरिएशन मतलब उनको कोई फायदा हो रहा है राइट right? जिनको फायदा होगा वही फिट कहलाएंगे और जो फिट खेलाएंगे दे विल प्रोपिगेट फर्दर उनकी पॉपुलेशन बच्चे वो रिप्रोडक्शन करेंगे एंड दे विल इंक्रीज देअर पॉपुलेशन जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में ऑल्सो देयर इज चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी बट दैट चेंज इज एक्सीडेंटल चेंज देयर इज नो एडवांटेज सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिल रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, But में सिलेक्शन जो चेंज चेंज आ रहा है, सर्वाइवल एडवांटेज और वही वही सिलेक्ट सिलेक्ट होगा, select होगा तो वही आगे क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डार्विन द फिटनेस वॉज रिप्रोडक्टिव फिटनेस दैट मीन ओनली द फिट ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देअर पॉप शन राइट बच्चों सो नेक्स्ट वी हैव गॉट मनीषा बालगोपाल, देन देन वी हैव गॉट प्रिया वाइपर लवली आशीष विदुषी एंड सम सेवन नाइन नेक्स्ट चलते हैं

कम ऑन कम ऑन आंसर दीजिए राइट टाइम इज आप करेक्ट आंसर वॉज पूछा गया था क्या चेंज नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ आइदर टाइप ऑफ स्नेल जीन फ्लो कैन चेंज माइग्रेशन होगी बच्चे तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी म्यूटेशन होगी तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी क्या चेंज नहीं करेगा द आंसर वॉज रैंडम मेटिंग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक So here we have got Shinchan, Ankush, Thriti, Amruta, then Priya, and then we have got Piyush, and we have got Vidushi and Doctor as well. So heartburn is a condition which arises in case of heartburn, kiss case it inflammation of alveoli, inflammation of atria, inflammation of pleural membrane, or when cardiac sphincters fail to close. हार्ट बर्न इज अ कंडीशन विच अराइजेज इन केस ऑफ एल्विलाई में इंफ्लामेशन है एट्रिया में हो रही है प्लूरल मेमब्रेन में है और समथिंग रिलेटेड टू द कार्डिक स्विंकटर्स वेन कार्डिक स्विंकटर दे फेल टू क्लोज कम ऑन थ्री सेकेंड्स स द करेक्ट आंसर इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर फोर देखो हार्ट बर्न है इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्चुअली हार्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्डिकटर की विच इज एक्चुअली द गैस्ट्रो इसोफेजियल फिंगटर इसोफेगस और स्टमक के बीच का जो फिंग्टर है बच्चे उसको हम बोलते हैं कार्डिकटर और द गैस्ट्रो इसोफेजियल फिंग्टर कार्डिय क्यों नाम दिए बिकॉज इसो फेगर ओपन इन टू द कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक ओनली चार पार्ट है फंडस कार्डिय बॉडी एंड देन वी है वो फिंगटर बच्चे क्लोज नहीं होगा There will be bit flow, जिसकी से एक you know, अजीब सी फीलिंग आती है so इससे का कोई भी लेना देना नहीं है जो नाइनटी स्टूडेंट है अगर वो ट्वेंटी ट्वेंटी वाले हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ पर सो प्लीज ट्वेंटी ट्वेंटी वाले अपनी प्रैक्टिस अपनी तैयारी करके आया कीजिए तभी आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ठीक है सो वी हैव गॉट ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन राइट सो नाउ वी हैव गॉट प्रिया डॉक्टर धृति एंड विदुषी अंकुशन दीपांशु एम्स डेली एंड देन वी हैव गॉट ऋतिक ओके नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन After डाइजेशन द कैरियर mediated पैसिवली absorbed substance इज ग्लूकोज गैलेक्टोज fructose और लिपिड्स डाइजेशन के बाद बच्चे ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी एब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू बी अ पैसिव प्रोसेस बट कैरियर मिडिएटेड ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज एंड लिपिड ऑन आंसर आपके पास टेन सेकेंड आराम से सोचिए एब्जॉपशन पड़ा है सबने किसकी एब्जॉर्प्शन पैसिव एब्जॉर्प्शन है एंड दैट इज ऑल्सो कैरियर मीडिएटेड टाइम इज आप करेक्ट आंसर वॉज नॉट ग्लूकोज बच्चे करेक्ट आंसर वॉज बच्चे वहां पर तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है सो इट इज द ट्रांसपोर्ट इज फ्राक्टोसिटेटेड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन बट नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड सो द आंसर बिकम्स फ्रक्टोस ये लाइन लिखी हुई है बच्चे एनसीआरटी में आपको ध्यान देना है दैट इट इज द फ्राक्टोज विच इज ट्रांसपोर्ट ियर प्रोटीन एंड दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट ठीक है सो द आंसर वॉज ऑप्शन नंबर थ्री सो हमारे पास कुछ नए बच्चे भी आ रहे हैं लीडर बोर्ड पे गोडा वी हैव गॉट प्रिया डॉक्टर धृती बिल्कुल सेम देन बी गल बेस्ट देन रोहन एंड देन वी हैव गॉट शेख एज वेल नेक्स्ट क्वेश्चन हु एक्सपेरिमेंटली डेमस्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ किसने बताया था मिलर ने पास्टर ने ऑपरिन ने या फिर डार्विन ने किसने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया दैट लाइफ कम्स फ्रॉम न्यू लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मिलर पास्टर ओपरिन और डार्विन कमान कमान आंसर टेन सेकेंड्स है आराम से देखिए आपको सबके एक्सपेरिमेंट्स पता होने चाहिए जितने भी ऑप्शन uh, में आपको नाम दिए हुए हैं यू शुड नो वाई दीज पीपल दे आर फेमस लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई एन एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं स्वॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था पास्चर ने उसने बताया था कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ नहीं आएगी लाइफ विल नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम ए बायोटिक सब्सटांसेज नई लाइफ आने के लिए वी नीड समथिंग हमें पुराना एक कोई ना कोई लाइफ चाहिए दैट मीन्स अगर एक मैगट है उसके लार्वा है तो उसी से आगे नई लाइफ आएगी सो न्यू लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जैसे आपने सेल में पढ़ा है न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल

मिलर ने प्रूव किया था बाय एन एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड एज स्पार्क एंड डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट और डार्विन बिल्कुल इनसे हटके है डार्विन ने इसके बारे में बात नहीं की थी डार्विन ने बात की थी अबाउट द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ठीक है सो ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर कल ही बताया था मैंने एवोल्यूशन के बारे में जिन्होंने मेरी कल की क्विज अटेंड करी थी दे वुड बी नोइंग उनको पता होगा कि आज मैंने डाइजेशन के साथ क्या इंक्लूड किया है एवोल्यूशन भी इंक्लूड किया है बट एनी वे अगर आपने एवोल्यूशन नहीं पता कोई बात नहीं प्रीवियस नॉलेज है 2020 के बच्चों आप इतने टाइम से करते आ रहे हो ट्राई टू आंसर ऑन दैट बेसिस सो नाउ आवर लीडर हैज चेंज वी हैव गॉट डॉक्टर एंड देन वी हैव गॉट विदुषी अंकुश एम्स एंड रोहन शेख प्रिया धीति एंड शिनचैन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओरिजिनल फाउंड इन डैश दो फिल्म द ब्लैंक है फ्रूट ईटर ऑस्ट्रेलिया सीड ईटर साउथ अमेरिका इंसेक्ट ईटर अमेरिका और कैक्टिस ईटर साउथ अफ्रीका ओरिजिनल डार्विन फिंच वॉज कौन थी उसकी आपको बिहेवियर बताना है एंड देन आपको बताना है व्हाट वाज़ द एरिया इन विच दे वर फाउंड कम ऑन टेन एंड देन एट सेकंड्स बचे सिर्फ लास्ट थ्री सेकंड्स बचो एंड द करेक्ट आंसर वाज़ ऑप्शन नंबर टू वेरी गुड

अमेरिका राइट right? अब बच्चे इतने सारे बच्चे देख रहे हैं देन वाई द एनर्जी ऑन द सेशन इज लेस जितने बच्चे हैं मुझे उतने लाइक्स चाहिए यह आपका टारगेट है सो so मेक मेक श्योर दैट यू फुलफिल योर टारगेट देखिए नया लीडर आ रहा है हर क्वेश्चन के साथ अब है हमारे पास अंकुश देन एम्स बीगल रोहन शेख प्रिया डॉक्टर धृती आंचल अरोड़ा एंड देन वी है विदुषी बंसल फटाफट से लाइक like कर दो कम ऑन गाइज ये आपको मुझे बताना नहीं चाहिए आप खुद से जब आए इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल योर टारगेट एंड योर टारगेट इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरलिस्ट फ्रॉम डच जो वॉज कौन था वो जिसने मले आर के पिलेजो में काम किया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ऑल्फ्रेड रोसल वॉलिस और ह्यूगो डी व्रीस हु वर्क विद मले आर के पिलेजो ये भी एनसीआरटी की लाइन है इस पे क्वेश्चन आता है नेम द नेचुरलिस्ट हु मले आर के पिलेजो is it darwin is it lamarck or wallace or hugo de vries and yes the time is now up करेक्ट आंसर वॉज एल्फ्रेड रॉसेल वॉलिस बिल्कुल ठीक वॉलिस ने बच्चे काम किया था मलेयार के पिलेजो में यह क्या है इट इज द ओल्ड नेम ऑफ इंडोनेशिया जिसको आज के टाइम पे जिस आइलैंड को हम इंडोनेशिया बोलते हैं उसी को तब बोला जाता था मलेयार की पिलेजो एंड द नेचुरिस्ट हुयर वॉज वॉलिस क्या हो गया मैंटी को दो बार रिजल्ट दिखा रहा है मैंटी लगता है सेंटी हो चुका है, है ना चलिए आगे चलते हैं ओके देयर इज सम इशू सो दिस इज आवर लीडर वोट वी हैव कॉट अंकुश एंड देन एम्स रोहन प्रिया शेख वेरी गुड इंप्रूविंग देन डॉक्टर धृति सिंह आंचल एंड सुनील हु इज द न्यू एडिशन

क्वस मीजोहेपस प्लियोहेपस और इप्पस कम फाइव सेकेंड्स बच्चों फर्स्ट वन टूड हॉर्स वॉज करेक्ट आंसर वॉज नॉट ईयोहेप्पस और इक्वस इक्वस इज तो मॉडर्न हॉर्स बिल्कुल मॉडर्न हॉर्स कौन सा है इक्वस आपको ऑर्डर याद रखना है कैसे याद रखेंगे मैंने uh, जिसने मेरे पुराने सेशंस लगाए हैं वो जानता होगा दैट आई गिव यू वन न्यूमोनिक दैट इज ओ मिस मैरी प्रूव द इक्वेशन ओ से आप क्या लगा लेंगे हिप्पस पहले नंबर पे मिस मैरी मिस से आ जाएगा मीजो हिप्पस मेरी से आ जाएगा मेरिक हिप्पस प्रूव्ड से आ जाएगा प्लियो हिपस एंड इक्वेशन लास्ट में आ रहा है सो मॉडर्न हॉर्स कौन सा रहेगा इक्वस सो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा ओ मिस मैरी प्रूव द इक्वेशन दैट मीन्स इो हेपस मीजो हेपस मेरिक हेपस प्लियो हेपस एंड द मॉडर्न वन इज गोइंग टू बी इक्वस इसमें से जो सबसे पहली बारी फर्स्ट वन टोड हॉर्स वाज प्लियो हेपस ओके गड़बड़ कर दी सबने इसमें ओके सो हेयर वी हैव गॉट वेरी गुड फॉर द फर्स्ट टाइम शेक ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन देखो ये बच्चा ऐसा है

सो प्रोटीन कोटेड वाटर सोलबल फैट ड्रॉपलेट्स विच आर कॉल्ड एस काइलोमाइक्रॉन्स, माइक्रॉन्स देज आर फॉर्म्ड इन साइड कहाँ बनते हैं ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल सेल्स लैक्टील्स और ब्लड कैपिलरीज द काइलोमाइक्रॉन्स विच आर प्रोटीन कोटेड वाटर सोलबल फैट ड्रॉपलेट्स प्रोटीन की कोटिंग अगर लिपिड पे हो जाए लिपो प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन्स बनते कहां पर है इज इट द ल्यूमन इज इट द इंटेस्टाइनल सेल लैक्टील के अंदर या फिर ब्लड कैपलरी के अंदर इज इट सो क्वेश्चन आर नॉट menti. ऐसा बोल रहे हैं कुछ बच्चे बताइए ऑप्शन भी आपने गलत मार्क किया है 87 बच्चे सिर्फ ठीक आंसर दे रहे हैं काइलोमाइक्रॉन्स दीज आर formed इन enterocytes एंटेरोसाइट्स विच आर कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल सेल्स एंटेरोसाइट्स को बोला जाता है सो ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में नहीं बनेंगे लैक्टिल में तो बच्चे वो एब्सॉर्ब होते हैं

अब इज इट अ क्वेश्चन मार्क कि नहीं दिख रहे या फिर नो कॉमा क्वेश्चन आर शोइंग इन मेंटी देखो एक पंक्चुएशन से लाइन बदल जाती है लाइन बदल जाती है बताइए क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं सब बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है शुड आई चेक इट ओनली ऑप्शन आर अपेरिंग वेट अ सेकेंड आ वेट अ सेकेंड नाउ चेक अब सब बच्चे चेक करें एवरीवन चेक कम ऑन नाउ चेक एवरीवन वन अब देखेंगे चलिए आगे चलते हैं वापस आ जाइए मैंने इसको फिर से ठीक कर दिया है और अगर मान लीजिए नहीं भी आते ना इन दैट केस यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड क्वेश्चंस कहीं भी हो चाहे आपकी यूट्यूब पर हो चाहे मेटी पर हो क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन तो नहीं बदलेगा सो so, यहाँ पर हमारे पास है धृति शर्मा ऑन द टॉप देन शन चैन शेख अंकुश डॉक्टर अमृता अंशुल चौधरी विदुषी रिया दीपांशु एंड देन वी हैव गॉट एम्स चलिए हाफ लिक्विड मिक्सड विद बाइल पेनक्रियाटिक जूस एंड सकस एंटेरिकस इन इंटेस्टाइन इज रेफर्ड टू एज काइल काइम मिकोनियम और बोलस कम ऑन हाफ लिक्विड मिक्सड विद बाइल पेनक्रियाटिक जूस एंड सकस एंटेरिकस इन द इंटेस्टाइन दीज आर रेफर्ड टू एज अगर लिक्विड में बच्चे बाइल है पेनक्रियाटिक जूस है सकस है इंटेस्टाइन में उसको क्या बोलते हैं काइम मिकोनियम और बोलस सेवन सेकेंड्स बच्चों ओके सो टाइम इज़ नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन वन ऑप्शन बच्चे देखो हाफ लिक्विड मिक्स विद बाइल पिनक्रियाटिक जूस एंड सकस एंटेिकस उसको हम बोलते हैं काइल जब भी आपका बाइल जूस और सकस जो आपका इंटेस्टाइन में बन रहा है फूड के साथ मिक्स उसे बोला जाता है काइल एंड वन थिंग बच्चे जो स्टमक में आपका फूड बन रहा है उसे हम बोलते हैं काइम वेन द फूड लीव्स द स्टमक दैट इज कॉल्ड एज काइम एंड वेन द काइम एंटर्स इंटर द इंटेस्टाइन वहां पर क्या बनता है वहां पर हम बोलेंगे इसको काइल और बोलस किसको बोला जाता है जब आप अपने सलाइव सलाइवा में बकल कैविटी में फूड सलाइवा के साथ मिक्स करते हो तो बॉल की फॉर्म में क्या होती है सो द फूड इज इज इन योर दैट बोलस और मिकोनियम किसको बोला जाता है जो 37 बच्चे हैं 37 बच्चे क्या बोल रहे हैं मिकोनियम मिकोनियम क्या होता है मिकोनियम इज अ फर्स्ट फीकल मैटर ऑफ अ न्यू बॉर्न बर्थ के बाद द फर्स्ट फीकल मैटर दैट इज कॉल्ड एज मिकोनियम सो द फ्लूट जिसमें भी होगा पेनक्रिया जूस भी होगा सकस एंटे मतलब इंटेस्टाइन में क्या बन रहा है काइल स्टमक से जो लीव करता है काइम और जो बच्चे यहां पर है दैट इज कॉल्ड पोलस ठीक है ओके ये एक बच्चे ने आइडिया दिया है कि कैसे ठीक हो सकता है वेरी गुड देर इज़ एन आइडिया इन द चैट सेक्शन दैट दे आर सेइंग कि दोबारा से मेंटी ज्वाइन करें दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो दिस थिंग वुड बी फिक्स्ड सो एवरीवन वन ज्वाइन द मेंटी अगेन ज्वाइन द मेंटी अगेन सो दैट दिस थिंग वुड बी फिक्स्ड ठीक है ज्वाइन द मेंटी अगेन राइट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन if all the salivary glands these are removed which of the following condition is likely to happen kya hoga sare salivary gland hata carbohydrate digestion will be affected in the intestine amylopsin secretion will be reduced बकल कैविटी बिकम्स एल्कलाइन और इट मे लीड टू डेंटल केरीज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वेरी नाइस क्वेश्चन इफ ऑल दलाइवरी ग्लैंड फॉलोइंग कंडीशन इज लाइक टू हैपन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन विल बी अफेक्टेड अ माई लॉप्रीशन इज रिड्यूस्ड देन बकल कैविटी बिकम्स एल्कलाइन और इट मे लीड टू इट मे लीड टू डेंटल केरीज इट मे लीड टू डेंटल केरीज बताइए फटाफट करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान नहीं दिया अगर सलाइवरी ग्लैंड रिमूव हो जाएंगे तो क्या इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन पे फर्क पड़ेगा नो no, बच्चे फर्क कहां पर पड़ेगा थर्टी परसेंट डाइजेस्ट करना था बाकी का 70 परसेंट तो कौन करता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज सो इंटेस्टाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में तो हमारे पास माल्टेज है राइट right? इंटेस्टाइन में हमारे पास पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो अपना काम करेंगे सो दैट इज नॉट

डेंटल केरी बकल कैविटी बिकम्स एल्कलाइन नो बच्चे को क्या फर्क पड़ेगा फर्क तो किसको पड़ रहा है टाइलिन को पड़ रहा है टाइलिन इज द्वार्बोहाइड्रेट डाइजेशन माउथ में हल्की से अफेक्ट होगी बट नॉट इन द इंटेस्टाइन सो हेयर द आंसर वॉज ऑप्शन नंबर डी ठीक है सो नाउ वी हैव गॉट ंकुश एंड देन एम्स जयवंत अंशुल डॉ अमृता रिया काल लवली एंड ए ओनली ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज और प्लेक्सेस इज लोकेटेड इन और प्लेक्सेस कहाँ मिलता है सबम्यूकोसा म्यूकोसा मस्क्यूलारिस एक्सटर्ना और मस्क्यूलारिस इंटरना यू हैव टू टेल मी द लोकेशन ऑफ और प्लेक्सस। और बाश इज लोकेटेड इन सब्यूकोसा म्यूकोसा मस्क्यूलारिस एक्सटर्ना मस्क्यूलारिस इंटरना बताइए बताइए फटाफट कम ऑन दिस इज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द histology ऑफ एलिमेंट्री canal. Histology में आपने देखा था चार तरीके की लेयर्स होती हैं बीच में क्या मिलेंगे हमें प्लेक्सस एंड प्लेक्सस आपसे पूछा गया लोकेशन ऑफ और बाश प्लेक्सस मुझे आज लग रहा है मुझे ये लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करके आए हैं है ना आपने बोला चलो एवोल्यूशन नहीं पता था कि टेस्ट होना है मान लिया डाइजेस्टिव सिस्टम तो लिखा हुआ था वो कैसे मैं मान लूँ और इतनी मेजर मिस्टेक कैसे कर सकते हैं आप इसमें कैसे कर सकते हैं और बाश प्लेक्सस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्रिक प्लेक्सस दिस इज बच्चों लोकेटेड इन द आउटर मस्कुलर लेयर जो कि सिरोसा से नीचे है क्या बोलते हैं इसको मस्कुलरिस एक्सटर्ना ठीक है मस्क्यूलारिस एक्सटर्ना जो सबमिकोजा बोल रहे हैं सबम्यूकोजा में भी प्लेक्सस होता है बट दैट इज नॉट और बाश दैट इज सब म्यूकोसल फ्लेक्स ऑलसो कॉल्ड एज मीजनर्स और ब्लाश और माइंट्रिक एक चीज है जो कि मिलते हैं हमें मस्कुलरिस एक्सटर्ना में सब म्यूकोसल और मीजनर्स एक चीज है जो हमें सिंपली कहां पर मिलेंगे सबम्यूकोसा में सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर सी और ये जो बच्चे म्यूकोसा और मस्कुलरिस इंटरना बोल रहे हैं इनको आज अपने अपने कान पकड़ के बैठना चाहिए बिकॉज ये कर रहे हैं ब्लंडर्स एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ब्लंडर फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी स्टूडेंट एट दिस स्टेज क्या डेट है आज टूडेज ट्वेंटी एथ ऑफ ऑगस्ट पेपर कब है आपका थर्टींथ ऑफ सेप्टेंबर अब आप ऐसी सिंपल क्वेश्चन में गलती करेंगे नॉट गुड नॉट गुड ठीक है सो हेयर वी हैव गॉट नाउ ओके सो न्यू लीडर इज देयर नाउ वी हैव गॉट जयवंत अंकुश काल तीनों लीडर्स ये हमारे चेंज हो गए हैं एम्स ए प्रिया क्रिस्टिन अंशुल डॉक्टर अमृता एंड विदुषी बंसल तो ये है बच्चे हमारे टॉप मोस्ट स्क्रीन पर राइट नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मैम्स विच ऑफ द फॉलोविंग प्रोटीन इज प्रेजेंट सिलाईवराइलेज टाइलिन म्यूसिन और बोथ वन एंड टू रियली गुड क्वेश्चन इससे आपकी नॉलेज चेक होगी बायो मोलिक्यूल्स की भी बायो मोलिक्यूल्स की भी नॉलेज यहाँ चेक हो रही है द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ ऑल द मैम्स अमाइलेज सलाइवरियामाइलेज टाइलिन म्यूसिन और बोथ वन एंड टू come on come on answer me correctly the correct answer was option number c पूछा क्या गया था बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट सलाइवरी माइलेज क्या प्रोटीन है बायोमोलिक्यूल में सबने पढ़ा है सलाइवरी माइलेज इज अ टाइप ऑफ एंजाइम है ना राइट एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द द सलाइवा ऑफ ऑल सलाइवरी दिलाईवास का ही दूसरा नाम क्या है टाइलिन है ठीक है और म्यूसिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ ऑल द मैमल्स वैसे इनडायरेक्टली देखिए तो एंजाइम्स आर एक्चुअली ऑल्सो प्रोटीनेशियस तो ये भी ठीक मान सकते हैं राइट बट म्यूसिन इज ऑल्सो द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा करेक्ट इन डायरेक्टली देखें तो वो भी बनता है फिर तो सारे ही ठीक हो जाएंगे बट येस yes, अगर मैं डायरेक्ट देखूं कौन एंजाइम है कौन प्रोटीन है डायरेक्ट दिख रहा है दैट इज म्यूसिन तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट पोजिशन पर आ गए हैं काल देन ए जयवंत अंकुश एम्स रीति प्रिया क्रिस्टन एंड अंशुल चौधरी नेक्स्ट क्वेश्चन ओके फॉसिल्स रिमेन ऑफ दे इंडिकेट दैट क्या इंडिकेट करेंगे एवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया है रेप्टाइल्स कुड फ्लाई रेप्टाइल्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ द बर्ड्स रेप्टाइल इन बर्ड्सन और रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स शो कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन फॉसिल रिमेन ऑफ दे इंडिकेट क्या इंडिकेट करेंगे

ठीक है दिस सेशन इज फॉर नीट यूजी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करोगे नहीं करोगे देन कॉल ए अंकुश धृति एम्स प्रिया जयवंत क्रिस्टिन एंड अंशुल चौधरी चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो फॉर एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम हार्डी बिन्बक् से क्वेश्चन है मैं पहले बता देती हूँ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एम एंड एन अलील्स आर पॉइंट सेवन एंड पॉइंट थ्री वट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप ब्यूरिंग ऑर्गेनिजम्स एम और एन अलील की फ्रीक्वेंसी दी हुई है पॉइंट सेवन एंड पॉइंट थ्री एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप बियोरिंग ऑर्गेनिज्म ऐसा आपको न्यूमेरिकल आ सकता है हार्डिविनबर्ग के बेसिस पर तो आपसे हेट्रोजाइगॉट्स के बारे में पूछा है हेट्रोजाइगॉट्स का आपको फॉर्मूला पता है निकाल लीजिए फटाफट से फ्रीक्वेंसी वट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप ब्योरिंग ऑर्गेनिजम्स फोर सेकंड मल्टीप्लाई करना है सिंपल करेक्ट आंसर इज यस वेरी गुड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी देखो एम ऑन एन इन सेन से P दिया हुआ है है दिया हुआ थ्री आपसे पूछा गया है कि हेट्रोजाइगॉड्स की क्या फ्रीक्वेंसी होगी यू नो दैट फॉर होमोजाइगस डोमिनेंट वी यूज पी स्क्र फॉर होमोजाइगस रिसेसिव वी यूज क्यू स्क् और हेट्रोजाइग्स के लिए क्या फॉर्मूला रहता है टू पी क्यू तो मल्टीप्लाई कर दो टू इंटू पॉइंट सेवन इन टू पॉइंट थ्री दैट इज गोइंग टू बी सेवन थ्री ट्वेंटी टू तो आंसर क्या आ जाएगा 42 बिल्कुल ठीक आंसर दिया है तो इतना मैथ्स तो आप यू नो अपने माइंड में ही कर लेते हैं ओके सोहेयर वी हैव गॉट कार एंड देन अंकुश तृती प्रिया एम्स क्रिस्टिन जयवंत अंशुल चौधरी अब ये तो डायरेक्ट सिलेबस में से डायरेक्ट एनसीआरटी में से आया था फिर क्यों गलती की फिर क्यों गलती की बच्चों है ना नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन

3 seconds and show the time is now up correct answer was absolutely correct करेक्ट आंसर was ऑप्शन नंबर सी That इज टेरेनोडॉन Pteranodon इज अ नेम गिवन टू द फ्लाइंग dinosaur. आपने एवोल्यूशन ऑफ dinosaur का एक डायग्राम बना हुआ है ना बड़ा सा पूरे पेज पे बना हुआ है उसमें बीच में एक फ्लाइंग dinosaur दिख रहा है द नेम इज एक्चुअली pteranodon. तो जो एनसीआर है उसका टेक्स्ट तो हमने करना ही करना है टेक्स्ट के साथ साथ क्या करना है ऑल द फिगर्स विच आर गिविंग बिकॉज फिगर्स में से इस तरीके का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है take so now we have got the new leader वी हैव अंकुश और देन वी हैव गॉट ध्रृति शर्मा वेरी गुड काल प्रिया ए एम्स एंड देन अंशुल चौधरी एंड देन बच्चों विदुषी बंसल एंड लास्ट में हमारे पास कौन है रिया है अच्छा ये बात बताइए इतने सारे बच्चे हैं देन why द एनर्जी ऑन द सेशन इज लेस आपको क्या करना है एनर्जी देनी है एनर्जी क्या होता है सेशन के लिए लाइक्स 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 फटाफट से लाइक कर दो सेशन को बताना नहीं चाहिए मुझे आपको आपको खुद से करना चाहिए करके दिखाइए जितने बच्चे हैं उतने लाइक्स फटाफट से करके दिखाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ मैन एंड एब्स आर ह्यूमन एवोल्यूशन में से कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ मैन एंड एप्स ड्रायोपिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस कैनीपिथिकस एंड पैरापिथिकस कॉमन एंसेस्टर ऑफ बोथ मैन एंड एप्स आर ड्रायोपिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस डायरेक्ट आंसर है आपका यहां से

Okay, So now we have got on the topmost position Ankush again, Dhriti Sharma Priya aims Anshul, Vidushi, Riya and kal. Next Next question. If the auxentic cell, very beautiful question. if the auxentic cell of person they are missing, सी अनिमिया कन्वर्जन ऑफ इन एक्टिव फॉर्म ऑफ इंजाइम इन टू एक्टिव फॉर्म इन स्टमक क्या होगा विच इज लाइकली टू आकर ध्यान से पढ़ना इफ द ऑगजेंटिक सेल्स ऑफ पर्सन दे गेट मिसिंग

क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12 हो जाएगा

कान पकड़ लो सब बच्चे कान पकड़िए देन बच्चे पूछा गया है कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फॉर्म इनटू द एक्टिव फॉर्म इट विल नॉट हैपन अंटिल एचसीएल इज देयर एंड इफ ऑक्सेंटिक सेल आर मिसिंग एचसीएल इज नॉट देयर क्या होगा एच सी एल की एबसेंस में बच्चे अनिमिया हो जाएगा कौन सा आयरन डेफिशेंसी अनिमिया बिकॉज एच सी एल का काम एक्टिवेट करना तो है ही एक और इम्पॉर्टेंट काम है एच सी एल का टू कन्वर्ट एफ ई थ्री पॉजिटिव इन टू एफ ई टू पॉजिटिव जो हम आयरन कंज्यूम करते हैं उस वो एफ ई थ्री पॉजिटिव होता है बट उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करती बॉडी तो एच सी एल उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं एफ ई टू पॉजिटिव में ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन अगर ऑग्जेंटिक सेल मिसिंग हो गए तो एच सी एल नहीं आया एच सी एल नहीं आया तो पर्सन वुड बी अनिमिक कौन से वाला अनिमिया आयरन डेफिशियंसी अनिमिया आउट ऑफ दीज सी इज द राइट आंसर क्या आप समझ पाए कि इसमें क्या ट्रिक थी क्या ट्रिक थी राइट पूछा गया था विच इज लाइकली टू हैपन नॉट अनलाइकली

पेप्सिन, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन और काइमोसिन ओके करेक्ट आंसर फिर कर दी यही है ना यही है आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते डज रेन इन वर्क इन बेसिक मीडियम डू यू थिंक दैट रेन इन एंड पेप्सिन दे बोथ आर रिलीज इन द स्टमक स्टमक में बच्चे द मीडियम इज नॉट बेसिक मीडियम इज हाइली एसिडिक 1.2 पॉइंट टू टू वन होती है तो कौन बेसिक मीडियम में वही काम करता है जो रेनिन ने एसिडिक मीडियम में किया दैट इज काइमोट्रिप्सिन देखो एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब ये नहीं होता एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट उठाकर आपको दे देंगे इसका मतलब होता है एनसीईआरटी को आपको कॉन्सेप्चुअली समझना आना चाहिए एनसीईआरटी में रेनिन का नाम है बिल्कुल है ये भी लिखा हुआ है कि स्टमक में होता है इन्फेंट्स की है स्टमक में ये भी लिखा हुआ है पीएच क्या है लिखा हुआ है दैट इज वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट एट इतना आप दिमाग लगा सकते हैं कि वो एसिडिक पीएच है वो बेसिक नहीं है बेसिक में यही काम कौन करता है काइमोट्रिप्सिन तो यहां पर आपके आने का पर्पस है टू लर्न द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट कुड दैट कुड बी आस्ट यू शुड थैंक मी लेटर फॉर दिस कि हमने इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना क्वेश्चंस को एनालाइज करना एनसीआरटी को एनालाइज करना सीख लिया है ठीक है नाउ वी हैव गॉट वेरी गुड धृती शर्मा बैक ऑन द टॉप देन एम्स अंकुश ए प्रिया अंशुल चौधरी रिया एंड कार्ल गया सबको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से डारवीनियन वेरिएशन आर डायरेक्ट क्वेश्चन डार्वीनियन वेरिएशन कैसे होती है आर दीज स्मॉल आर दीज डायरेक्शनल रैंडम और डायरेक्शन लेस और बोथ वन एंड टू डारियन वेरिएशन आर स्मॉल डायरेक्शनल रैंडम एंड डायरेक्शन लेस और बोथ वन एंड टू कमान कमान क्या उनकी कोई डायरेक्शन है स्मॉल है लार्ज है रैंडम है या फिर डायरेक्शन लेस है ओके सो टाइम इज नाउ आप करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी थैंकफुली नाउ यू हैव गिवन मी द राइट आंसर हमने डिफरेंस पढ़ा था डार्विनियन वेरिएशन और ह्यूगो हीगोडिवरिज म्यूटेशन में डार्विन की जो वेरिएशन है वो छोटी होती हैं स्मॉल छोटे छोटे चेंजेस आते हैं अचानक से बड़ा चेंज नहीं आएगा डायरेक्शनल चेंज वुड बी देयर वाइल इन कंपेरिजन हीज की जो म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट था म्यूटेशन बच्चे दीज आर लार्ज चेंजेस एंड दीज आर नॉन डायरेक्शनल चेंजेस रैंडम होते हैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है डार्विन में बच्चे चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं बट अकॉर्डिंग टू ह्यूगो ह्यूगोड द थिंग्स दे हैपन सडनली एक बड़ी सी म्यूटेशन आएगी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है सो एब्सोल्यूटली राइट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर फोर राइट इतना मजा आ रहा है क्विज देने में इतनी नई नई चीजें सीख रहे हैं हम तो फटाफट से, से सेशन को क्या करना है टारगेट पूरा करना है टारगेट पूरा करिए चलिए मैं लीडर्स बता रही हूँ द लीडर इज धृति एम्स अंकुश प्रिया अंशुल विदुषी रिया एंड जयवंत कमन कमान फिलफिल द टारगेट फॉर टुडे गोल ब्लाडर इज लोकेटेड ब्यूटिफुल क्वेश्चन गोल ब्लैडर इज लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ कहां पर लोकेशन बनी हुई है एनसीआर में खुद से दिमाग लगाइए राइट लोब इन थरासिक कैविटी राइट लोब इन एबडोमिनल कैविटी लेफ्ट लोब ऑफ लिवर इन द दरासिक कैविटी लेफ्ट लोब ऑफ लिवर इन द एबडोमिनल कैविटी गोल ब्लैडर इज पोस्टीरियर एंड ऑफ किसके पोस्टीरियरली सिचुएटेड है इमेजिन करो गोल ब्लाडर कहां था सोचिए सोचिए कैविटी में था या एब्डोमिनल में पहली चीज दूसरी चीज राइट लोब के पोस्टीरियर था या फिर लेफ्ट लोब के पोस्टीरियर था ब्यूटिफुल क्वेश्चन द टाइम इज नाउ ऑप करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर बी बहुत सही सोचा है ये जो कुछ बच्चे सोच रहे हैं देखिए के नीचे नीचे होता है। है है से ऊपर क्या क्या आपकी आपकी अब जब आपने बनाकर देखा वो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर तो दो लोब्स हैं वन इज द लेफ्ट लोब अदर वन इज द राइट लोब राइट लोब के पीछे प्रेजेंट होता है ना पोस्टीरियर टू द राइट लोब सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी ये जो बच्चे थोरासिक दे रहे हैं ना थोड़ा सा आप अपने आप को अपना माइंड ऐसे यूज करो कि डाइजेशन रेस्पिरेशन एवरीथिंग इज लिंक्ड तो आपको डायफ्राम पता है दैट इट इज गोइंग टू डिवाइड एंड ब्रीदिंग वाले चैप्टर में लाइन लिखी हुई है ये तो नीचे वाली साइड लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे लिवर दैट मीन इन द एबडोमिनल कैविटी राइट और लेफ्ट लो गेस करना ज्यादा इजी था राइट चलिए सो नेक्स्ट वी हैव गॉट धृति शर्मा and then a ankush aims anshul rishabh lovely and vidushi next question purgatives stimulate intestinal peristalsis and evacuation of fluid feces these purgatives they contain magnesium ion sodium ion manganese ions or calcium ion beautiful question दिस which वन ऑफ द प्रीवियस ईयर examination एम्स में बच्चे थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पूछा जाता था अब भी आपका एम्स का पेपर मर्ज हो रहा है नीट के साथ देअर आर हाई चांसेस की कुछ कुछ चीजें थोड़ी हाई लेवल की आए सो अगर फीसिस को बच्चे हमें फ्लूड फॉर्म में, में रिलीज कराना है पेरिस्टाइलिस को फास्ट कराना है तो जो हम सप्लीमेंट लेते हैं बर्गेटेस लेते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है करेक्ट आंसर वॉज नॉट सोडियम इट वॉज मैग्नेशियम आयन्स देखो मैग्नेशियम की प्रॉपर्टी है कि लार्ज इंटेस्टाइन में से पानी को क्या करेगा एब्सॉर्ब कर लेगा तो इट विल इंक्रीज द फ्लूडिटी ऑफ द फेसेस किस टाइम पे दिए जाते हैं परगेटिव और लैगजेटिव भी आ सकता है यहां पर सेम थिंग किस टाइम पर दिए जाते हैं वेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन तो कॉन्स्टिपेशन के वक्त बच्चे हमें ऐसी चीज देनी पड़ेगी विच इंक्रीज द बावल मूवमेंट विच विल इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फीसेज उसमें क्या दिया जाता है परगेटिव या फिर हम क्या बोलते हैं लैगजेटिव जिसमें किसका अमाउंट ज्यादा होता है मैग्नीशियम आयन का जो कि पानी इकट्ठा करने में उस जगह पर हेल्प करते हैं आप घर में भी देखते हैं वी टेक सम extra supplements for the better motion uh, like we have got isabgol hai na liya jata hai so here the answer is going to be magnesium to positive magnesium ion right to फटाफट से इतना beautiful question learn कर लिया है like कर दीजिए and now the लीडर ऑफ आवर मेंटी क्विज फॉर टुडे इज गोइंग टू अपियर आज का लीडर आने वाला है दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन बच्चों एंड द लीडर इज Okay, so the leader is Ankush, very good. Then Dhriti was also about to come, but second position is also not bad. Then Ames, Priya, Anshul, Rishabh, Vidushi, and Jaiwan. कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों सब बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड टुमरो बच्चे टुमोरो देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेज ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कैसेस याद रखना है कल ब्रीदिंग की रेस्पिरेशन की क्वेज है एक ही चैप्टर मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको देख लीजिए आप अपना स्केड्यूल यू कैन सी योर स्केड्यूल ओवर हेयर ये देखिए इज अ टोटल स्केड वीक वन का लेंड हो जाएगा विद्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कैसेज उसके बाद आएगी वीक टू की टर्न वीक टू में सारे टॉपिक्स किसके हैं इलेवेंथ के हैं सो है. so, आज हमारा ट्वेल्थ क्लास पूरा हो चुका है बाई डिस्कसिंग एवल्यूशन एंड फ्रॉम टुमोरो वी आर गोइंग टू टेक ओवर क्लास टू इलेवेंथ राइट ठीक है चलिए सो बच्चों दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास कहाँ ली जाती है किसको बोला जाता है स्पेशल क्लास आर द फ्री क्लासेज विच आर टेकन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी लर्निंग ऐप लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप ये सारी स्पेशल क्लासेज अटेंड कर सकते हो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दी स्पेशल क्लासेज विल टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन वहाँ पर आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से प्लस में क्लासेस होती हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन में क्लासेस होती है यू विल गेट टू नो अबाउट द इंटरफेस यू विल गेट टू नो कि किस

थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इट इज अ टर्न ऑफ क्लास ट्वेल्थ इन विच वी हैव कंप्लीटेड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और आज हम उसकी लास्ट डीपीपी डिस्कस करने वाले हैं कल भी डीपीपी डिस्कस के सी टूडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डीपीपी ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस अब टेलीग्राम एप आप, आप सबके पास है नहीं है तो डाउनलोड कर लो डाउनलोड करने के बाद जाइए लाइव डेली डॉट मी स्लैश टैट वेन यू विल गो इन टू दिस वच इट विल टेक यू टू आवर आन अकेडमी नीट चैनल वहाँ पर जाकर आप चैनल ज्वाइन कर लेना बिकॉज ऑल द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू देशन कब होने वाला है क्या टाइमिंग ऑल्सो यू कैन एक्सेस ऑलियस वीडियो एंड पीडीएफ बाई गोइंग ऑन दिसंक लाइव डेली डॉट मी स्लैश नीट इस लिंक पर जाएंगे तो आपकी सारी पीडीएफ सारी वीडियो आप वहां जाकर बिल्कुल एक ऑर्डर्ड वे में देख सकते हैं ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन वॉट इज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वे आर ऑल द क्लासेज दे अकर इन लाइफ फॉर्मैट पहली चीज सारा का सारा सिलेबस एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टिल द लास्ट चैप्टर कौन कंप्लीट करेगा द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री बिकॉज द टॉप एजुकेटर्स जितने भी पूरे इंडिया में थे नाउ दे आर एसोसिएटेड विद अन अकेडमी एंड दे कीप ऑन लॉन्चिंग दअ प्लस कोर्सेज जिसमें आप जाकर पढ़ सकते हो देन लाइव पोल्स होंगे लीडर बोर्ड होगा लीडर बोर्ड के बाद बच्चे टेस्ट सीरीज चलती है उस टेस्ट सीरीज में इंडिया के टॉप मोस्ट स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं तो आपको अपनी पोजिशन पता चलती है अपनी रैंकिंग पता चलती है एंड देन देयर इज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन स्पेशल सेशन है सिर्फ डाउट्स के लिए आपको अपने डाउट का स्नैपशॉट लेना है अपलोड करना है उसी वक्त वो टीचर के पास पहुंच जाएगा एंड टीचर विल रिजॉल्व योर डाउट राइट अवे एंड लेट मी टेल यू बच्चे हमने लास्ट वीक इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का बैच लॉन्च किया है प्लस पर फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर अभी भी आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आपको ले लेना चाहिए और एक और नई चीज़ बताऊं कि एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यू कैन अटेंड एनी वन कोर्स किसी से भी जाकर पढ़ सकते हैं आप इलेवेंथ में होकर ट्वेल्थ साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं ट्वेल्थ में होकर को साइमल्टेनियसली रिवाइज कर सकते हैं तो कैसे लेना होगा ये सब्सक्रिप्शन सबसे पहले आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है एन अकेडमी का प्ले स्टोर में मिल जाएगा डाउनलोड करने के बाद जाइएगा प्लस में प्लस में आएगा नीट यूजी नीट यूजी में क्लिक करिएगा गेट सब्सक्रिप्शन वेन यू विल क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन यू विल सी लॉट्स ऑफ कोर्सेस तो कौन सा कोर्स आपको नीट के करीब लेके जा सकता है देखो एक महीने में तीन महीने में नीट की तैयारी नहीं हो सकती है यू नीड अ फुल फुलजेड टाइम सो जो बच्चे इलेवेंथ में हैं और जो बच्चे टेंथ में भी हैं और मे बी इवन नाइन्थ में देयर एम इज क्लियर एंड दे आर ग्लू टू दिस चैनल सो दे ऑल शुड गो फॉर दिस टू ईयर सब्सक्रिप्शन सबसे इकोनॉमिकल मतलब सबसे कम अमाउंट आपको इसी का मिलेगा और जो बच्चे किस में हो चुके हैं क्लास ट्वेल्थ में हो चुके हैं या फिर जो ड्रॉप करना चाहते हैं मतलब 2021 एस्पिरेंट्स दे शुड गो फॉर दिस वन ईयर सब्सक्रिप्शन सबसे कम अमाउंट आपको इसी की मिलेगी ठीक है और ये अमाउंट बच्चों और कम हो सकती है कैसे इफ यू विल यूज द कोड सीप लाइफ सिंपल सा कोड है पेमेंट ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर ये कोड जरूर से यूज करना बिकॉज ऑन द टोटल अमाउंट बाई यूजिंग दिस कोड यू आर गोइंग टू गेट टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ एडिशनल ऑफ मिलेगा एंड दीज प्राइसेज दीज आर हाईली September में, इन में so it is best subscription ले लें ठीक है इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए सेपरेट चैनल है स्कूल इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्कूल यू कैन गो फॉर एन अकेडमी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ठीक है एंड आज का सेशन अच्छा लगा कुछ नई नई चीजें सीखी देन डू लाइक दिस सेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेलकन आज शाम को मिलेंगे बच्चों फाइव ओ क्लॉक विद अनादर डी पी पी ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज एंड देन बच्चों टुमोरो मॉर्निंग देर इज गोइंग टू बी क्वेस्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कैसेज टिल देन बच्चों तैयारी अपनी बिल्कुल अप टू द मार्क रखिए जारी रखिए एंड एवरी वन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ